हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल पर। इस्कॉन पंजाबी बाग यूट्यूब चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन, सुंदर कीर्तन, कृष्ण कथा, भजन और आने वाले नए उत्सव। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने मनाया शिला माधवाचार्य जी का तिरुभाव दिवस और आज है दूसरे महान आचार्य रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वैष्णव कैलेंडर्स में ये उत्सव हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज को। जब शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज स्वानंद सखंद कुंज में अपने पिताजी भक्तिनाथ ठाकुर जी घर में थे तब उनका नाम बिमला प्रसाद था। तो वहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी भी आते थे और गौर किशोरदास बाबा जी जानते थे कि जो युवक है ये बहुत बड़ा स्कॉलर है। इसको युवावस्था में सूर्य सिद्धांत का टाइटल मिल गया, ज्योतिषी में इसने बहुत निपुण है। तो बोला क्यों नहीं अपने इस ज्ञान को आप उपयोग करते हो एक वैष्णव पंचांग बनाने के लिए। तो उन्होंने फिर पूरा वैष्णव पंचांग बनाया, वैष्णव कैलेंडर जो हम रेफर करते हैं, सभी वैष्णवों का तिरुभाव आविर्भाव दिवस, सभी भगवान के विष्णु तत्वों का आविर्भाव दिवस। तो ये पूरा वैष्णव कैलेंडर शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज की देन है और उसी को शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी में उसको लागू किया। तो इसलिए हमें मालूम चलता रहता है कि आज इनका तिरुभाव दिवस है और हमें मौका मिलता है कि इन महान आचार्यों का उस दिन हम गुणगान करें, उनका स्मरण करें और उनका संग प्राप्त करें, उनकी कृपा को आकर्षित कर सकें। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का चरित्र बहुत ही महान, बहुत ही अद्भुत और छोटे से समय में 45-50 मिनट में उसको कवर करना लगभग असंभव है। तो बहुत बड़े द्वंद में था मैं कैसे किस किस विषय को लूँ, किसको छोड़ूँ। तो कुछ प्रयास किया संक्षेप में करने का, कुछ विषयों को छोड़ दिया, कुछ को पकड़ा है जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं। तो शिला प्रभुपाद और सभी वैष्णव से कृपा की याचना करते हुए कि हम रामानुजाचार्य जी के चरित्र पे कुछ प्रकाश डाल सकें अपने शुद्धिकरण के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। तो हम जानते हैं कि चार मुख्य संप्रदाय हैं और पद्म पुराण में वर्णन भी आता है, संप्रदाय वहीना ये मंत्रा ते निष्फलम अतः। और पद्म पुराण में इन चारों आचार्यों का नाम भी आता है, रामानुजाचार्य जी का भी, विष्णु स्वामी जी का भी, निम्बार्काचार्य जी का भी और मध्वाचार्य जी का भी, पद्म पुराण में नाम आता है। और ये बताया गया है कि ये चारों के चारों संप्रदायें उत्कल क्षेत्र जगन्नाथपुरी से प्रकाशित होंगी। और हम देखते हैं जगन्नाथपुरी आप गए होंगे तो उन चारों संप्रदाय के मठ भी हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से ये चारों संप्रदायें प्रकाशित हुई जगन्नाथपुरी से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन चारों संप्रदाय से दो दो मुख्य पॉइंट लिए और जगन्नाथपुरी से फिर पूरे विश्व में इसका प्रकाश हो रहा है। तो जो श्री संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने तो मुख्य पॉइंट लिए वो क्या क्या हैं, भक्त जन सेवा, वैष्णव सेवा और अनन्य भक्ति, ज्ञान और कर्म के मिश्रण से मुक्त अनन्य भक्ति। ये दो मुख्य सिद्धांत लिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य संप्रदाय से। ये चार संप्रदाय हैं, इनका सीक्वेंस है कि सबसे पहले श्री संप्रदाय प्रारंभ हुई थी। ये चारों संप्रदाय शुरू हुई शंकराचार्य जी के मत का, उनको पहले शंकराचार्य जी आए बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए और फिर इन चार आचार्यों को भेजा गया शंकराचार्य के मत को समाप्त करने के लिए। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए या तो खुद आते हैं या अपने बहुत ही निकट के पार्षदों को भेजते हैं और ये जो आचार्य आते हैं इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करके सत्य को स्थापित करना होता है। हम देखेंगे रामानुजाचार्य जी के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई और हम वर्तमान आचार्यों के जीवन में हम देखते हैं। तो सबसे पहले श्री संप्रदाय प्रारंभ हुई, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और फिर कुमार संप्रदाय। लेकिन जो ये चार मुख्य आचार्य प्रकट हुए इनमें सबसे पहले आए थे विष्णु स्वामी, फिर आए थे निम्बार्काचार्य, फिर आए थे रामानुजाचार्य और फिर आए थे मध्वाचार्य। यानी कि ये चार आचार्य हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने संप्रदाय शुरू की, ये इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं
यानी कि इन्होंने अपने अपने संप्रदाय की शिक्षाओं को रूप दिया और उनका प्रचार करके उनको स्थापित किया। तो रामानुजाचार्य से पहले भी बहुत से महान आचार्य थे श्री संप्रदाय में। कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय के आचार्यों का और गौड़िया वैष्णव आचार्यों का बहुत सुंदर तालमेल है। हम लोग मध्वाचार्य जी की संप्रदाय से, हालांकि हम उसी ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में हैं, लेकिन उससे हम इतना रिलेट नहीं कर पाते जितना कि हम श्री संप्रदाय के आचार्यों से रिलेट कर पाते हैं। देखो, शिला प्रभुपाद जी ने भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में ही रामानुजाचार्य को इंट्रोड्यूस किया है। किस शब्द की परिभाषा के लिए? भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में रामानुजाचार्य जी का नाम आता है। सनातन शब्द के लिए, कि सनातन धर्म क्या है। सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। वो रामानुजाचार्य जी की परिभाषा दे रहे हैं कि उन्होंने क्या सनातन की परिभाषा दी है। और कई बार भक्तिनोद ठाकुर भी अपने गीता की कमेंट्री में रामानुजाचार्य जी की कमेंट्री को कोट करते हैं। और बहुत आगे जाके हम आज यही चर्चा करेंगे कि क्यों जो मुख्य जो वैष्णव सेवा लिया है चैतन्य महाप्रभु ने, और जो श्री संप्रदाय के आचार्यों का मूड रहा था वैसे ही हमारे आचार्यों का मूड है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी बहुत मुख्य आचार्य हुए। शिला प्रभुपाद जी ने किन किन आचार्यों को कोट किया है रामानुजाचार्य से पहले के आचार्यों को, श्री संप्रदाय से? यमुनाचार्य जी को बहुत कोट किया प्रभुपाद जी ने, और कुलशेखर जी को, अच्छा कुलशेखर भी श्री संप्रदाय से ही थे। और हम देखते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सावी ठाकुर महाराज ने जब गौड़िया मठ की स्थापना से पहले वो भी श्री रंगम में गए थे, और वहाँ से उन्होंने श्री संप्रदाय का देखा कि कैसे दीक्षा की पद्धति है, पंच संस्कार की दीक्षा पद्धति, वही दीक्षा पद्धति उन्होंने गौड़िया मठ में लाई और वही इस्कॉन फॉलो करता है। इसके साथ साथ शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जिस संघ से खुद संन्यास लिया, उन्होंने उदाहरण लिया था रामानुजाचार्य जी से ही। और जो पूरे आचार्यों का मूड हम देखेंगे, बहुत निकट का तालमेल है। जैसे कि वैष्णव सेवा, रामानुजाचार्य से पहले भी जो मुख्य आचार्य थे यमुनाचार्य और नाथ मुनि, ये दो मुख्य आचार्य थे। कहा जाता है कि नाथ मुनि यमुनाचार्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि भविष्य में हमारा एक शिष्य आएगा जो हमारा भी उद्धार कर देगा। गुरु कह रहे हैं जो हमारा भी उद्धार कर देगा। और इसलिए रामानुजाचार्य जी को इस पूरे श्री संप्रदाय में, हालांकि बहुत से आचार्य हैं, उनको बोला जाता है उद्धारक आचार्य, और बाकी सब उच्चारों को बोला जाता है उपकारक आचार्य। और इसी थीम को इस कॉन में भी लिया गया। शिला प्रभुपाद जी हमेशा फाउंडर आचार्य रहेंगे, उद्धारक आचार्य, बाकी सब आचार्य उनको सपोर्ट करेंगे उपकारक आचार्य के रूप में। तो उनसे पहले के जो आचार्य थे नाथ मुनि और यमुनाचार्य जी, ये कह रहे हैं कि हमारा आगे वाला आने वाला एक शिष्य है वो हमारे उद्धार का कारण बनेगा। और रामानुजाचार्य जी का प्रकट हुआ था 1017 में, पिछले साल उनके 1000 वर्ष मनाए गए थे, सहस्राब्दी मनाई गई थी। तो उनसे उनके प्राकट्य से 100 वर्ष पहले ही यमुनाचार्य और नाथ मुनि जी उनके विग्रह की पूजा शुरू कर दी थी रामानुजाचार्य जी के। तो ये जो भाव है श्री संप्रदाय के गुरुजनों में कि वो अपने आप को अपने शिष्य का भी सेवक के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं कि शिष्य हमारा आके उद्धार करेगा। यही भाव हम देखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सावी ठाकुर महाराज के, जब उनके शिष्य आकर उनको प्रणाम करते थे तो भक्ति सिद्धांत सावी ठाकुर महाराज क्या कहते थे? दासो अस्मि। और इसी ढंग से देखते हैं शिला प्रभुपाद जी भी भागवतम के 4th स्कंद में ध्रुव महाराज के प्रसंग में, जब ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक वापस जा रहे हैं तो वो चिंता कर रहे हैं मेरी माँ सुनीति का क्या होगा, तो भगवान ने बोला वो उसका प्लेन पहले ही जा चुका है। तो शिला प्रभुपाद जी उसमें क्या लिख रहे हैं कि मैं भी एक दिन उम्मीद करता हूँ कि मेरे शिष्य इतने योग्य बन जाएंगे जब वो भगवत धाम जाएंगे तो उनकी योग्यता के आधार पर मैं भी भगवत धाम चला जाऊँगा। ये प्रभुपाद की विनम्रता, और ये वही विनम्रता यमुनाचार्य और नाथ मुनि दिखा रहे हैं कि रामानुजाचार्य जी आएंगे वो हमारा उद्धार करेंगे। तो ये बहुत गहरी बात है कि इस संप्रदाय में भक्तजनों की सेवा, चाहे कोई हमसे ज्येष्ठ है या कनिष्ठ है या बराबर का है, सबको अपने स्वामी के रूप में देखना, ये मुख्य भाव लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया भी, गोपी भरते पद कमलो दास दासानु दास। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, टॉप मोस्ट सिद्धांत है, लेकिन ये हमारे हृदय में तभी प्रकट होगा जब ये हम दास दासानु दास के भाव को अनुकूल करेंगे।
अन्यथा हम कई जन्म हो सकते हैं इसमें बिता दें, इस भाव को अनुकूल करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये ज्ञान, ये जो प्रेम, कुछ भी प्रकट नहीं होगा। जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है हम समझ भी नहीं पाएंगे, केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर आएंगे, क्योंकि पूरा राज विद्या राजगुह्यम, ये गुह्यतम ज्ञान प्रकट तभी होगा जब हम दासत्व की भावना को हृदय से अनुकूल करने की इच्छा रखेंगे। तो ये हम देखते हैं अपने आचार्यों में भी और श्री संप्रदाय के आचार्यों में भी। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और उसके बाद वो अपनी माँ के आदेश में जगन्नाथपुरी आए और फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, तो जब तक सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ लगभग मार्च अप्रैल का महीना हो गया होगा, और फिर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई दक्षिण भारत जाने की, तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा मैं जाऊँ, उनसे वो आज्ञा ले रहे हैं। उन्होंने बोला अभी नहीं, आप चले जाएंगे तो आपका विरह तो ऐसा लगेगा जैसे वज्रपात हो गया, जैसे मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, इतना बड़ा कष्ट मैं सह लूंगा लेकिन आपका विरह सह नहीं सकता। फिर महाप्रभु बोले क्या बोलूँ क्या करूँ, बोले एक सप्ताह और रुक जाइए और घर में प्रसाद पाइए। बोले ठीक है जैसा आप कहें। एक सप्ताह रुके और घर में प्रसाद पाया, फिर अब जाऊँ। हालांकि देखा जाए तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक या दो महीने पुराने भक्त हैं, उससे पहले तो बहुत बड़े मायावादी थे। दो महीने पुराने भक्त हैं और उनसे महाप्रभु स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान आज्ञा ले रहे हैं, जाऊँ क्या, ये दिखाते हैं दास दासानुदास। उसके बाद जब वृंदावन जाना था, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय दो साल तक टालते रहे, नहीं अभी नहीं, अभी ये हो जाए, अभी कार्तिक निकल जाए, वहाँ बहुत ठंड होगी, अभी नहीं, अभी वर्षा निकल जाए, करते करते दो साल निकाल दिए और भगवान गए नहीं वृंदावन। हम यहाँ पे जाना चाहिए, अभी मत जाऊँ, क्यों नहीं जाऊँ आपके क्या। स्वयं भगवान है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ये दासत्व की भावना कैसे स्वीकार करनी है। तो ये पूरा श्री संप्रदाय का मूड लिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य हुआ 1017 में मद्रास के निकट एक जगह है श्री पैरुपदूर, उसको महाभूतपुरी भी बोलते हैं। उनके पिताजी का नाम था केशवाचार्य, माता का नाम था कांतिमती। इनको कोई संतान नहीं हो रही थी तो ये बहुत उदास होकर चेन्नई में ही एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, पार्थासारथी मंदिर, बोलते एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान की मूछें हैं। तो वहाँ पर गए, उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की और पार्थासारथी जी ने उनको आश्वासन दिया कि एक बहुत ही विशेष संतान आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान देख रहे थे कि इस समय सनातन धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता है, बहुत मायावाद फैल गया है। तो जो संकर्षण थे, स्वयं उनकी शक्ति के रूप में रामानुजाचार्य अवतरित हुए। भगवान के सबसे पहले सेवक कौन है, बलराम जी। बलराम जी अपना विस्तार करते हैं अनंत शेष के रूप में। अनंत शेष कई तरीकों से भगवान की सेवाएं करते हैं, लेकिन अनंत शेष जी की दो सेवाएं बहुत मुख्य हैं। एक तो सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पे धारण कर रखा है, दूसरा अपने अनंत मुखों से वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो एक है धारण शक्ति और एक है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। तो कहा जाता है जो रामानुजाचार्य जी हैं, रामानुज का मतलब है राम के छोटे भाई, तो जो रामानुजाचार्य जी हैं ये संकर्षण जी की कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के मूर्तिमान रूप हैं, उनके शक्ति आवेश अवतार है, क्योंकि ये कृष्ण कथा खूब उत्साह से करेंगे, ये दिखाएंगे तभी इसको स्थापित करेंगे। तो ऐसे उनका जन्म हुआ और जब ये प्रकट हुए तो सभी महापुरुषों के लक्षण थे इनमें। इनके जो माँ थी कांतिमती, उनके भाई थे शैलपूर्ण। शैलपूर्ण यमुनाचार्य के शिष्य थे, तो यमुनाचार्य जी को मालूम चला कि इनका कोई पुत्र हुआ है, तो उनको देखने आए और देखते ही समझ गए ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनका नाम दे दिया लक्ष्मण, इनका नाम लक्ष्मण पड़ गया। और उसके बाद बचपन से ही ये बहुत ही मेधावी छात्र थे तर्कशास्त्र में, और शुरू से ही भगवान विष्णु के प्रति बहुत इनकी भक्ति थी, भक्तों के भी बहुत भक्ति थी। तो इनके जो गांव में के पास में से एक और गांव था जहां एक बहुत महान भक्त रहते थे, लेकिन जिनका जन्म हुआ था शूद्र परिवार में, इनका नाम था कंचीपूर्ण, और ये जाते थे कांचीपुर गांव में। कांचीपुर पुरी है ये भी, सात पुरियों में एक पुरी कांचीपुरी भी आती है। काफ़ी लंबा सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके जाते थे प्रतिदिन वर्धराज की सेवा करने के लिए, और ये वर्धराज के इतने महान सेवक थे कि भगवान से बातें करते थे, है ना। एक बार ये दो महीने के लिए तिरुपति में चले गए,
तो वरदराज जी इनके सपने में आए, कहाँ चले गए आप, गर्मी में कोई पंखा सही नहीं कर रहा, आप जिस व्यक्ति को पीछे सेवा देके गए उसको पंख मोर पंख करना ही नहीं आता, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, वापस आओ। तो वापस आ गए थे। तो बहुत ही उनकी एकांत में सेवा करने वाले और उनसे भगवान से बातचीत करने वाले, आपने वो कथा भी सुनी होगी जिस पे एक ड्रामा भी किया था, है ना, लंबी कथा है। तो इतने महान सेवक थे कंचीपुण, लेकिन वो जब जाते थे सेवा के लिए तो लक्ष्मण के घर के सामने से निकलते थे। तो एक बार क्या किया कि उनसे इतने आकर्षित हो गए बालक लक्ष्मण थे, इन्होंने कंचीपुण को अपने घर में आमंत्रित किया, बिना माता पिता से पूछे उनको भोजन कराया। तो कंचीपुण ने बोला, मैं तो एक शुद्ध परिवार में जब पैदा हुआ हूँ, आप इतने उच्च ब्राह्मण कुल से हैं। तो इस लक्ष्मण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जो वैष्णव होता है वो तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं। तो शुरू से ही उन्होंने स्थापित किया कि वैष्णव को कभी भी बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि ये इस जात के हैं, ये इस राज्य के हैं, ये बिहार से हैं, ये पंजाब से हैं, ये तो होते ही ऐसे हैं, ये बंगाल से हैं। नहीं, वैष्णव हैं, बाहरी दृष्टिकोण से देखना बहुत बड़ा अपराध है। तो उसके बाद ये उनसे बहुत आकर्षित होते थे और उनसे चर्चाएँ करते थे और उनसे शिक्षाएँ भी लेते थे। कुछ समय के बाद इनका विवाह कर दिया गया और इनकी पत्नी का नाम था रक्षा कंबल, जो कि एक सम्राट ब्राह्मण परिवार से आई थी। और फिर इनकी इच्छा हुई, जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। इनकी इच्छा हुई कि अब मैं कुछ वेदांत का अध्ययन करूं। तो वेदांत के अध्ययन के लिए ये कांचीपुर शहर में चले गए, जहाँ पे एक बहुत बड़े एक मायावादी सन्यासी थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो उनसे इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की। यादव प्रकाश का इतना ख्याति थी कि राजा भी उनको जानते थे। तो क्या हुआ, एक बारी राजा की बेटी को भूत ने पकड़ लिया, और यादव प्रकाश घोष बस्तर में थे, भूतों को भी भगाते थे। तो बुलाया उनको राजा ने कि मेरी बेटी को जरा भूत से छुड़ाओ। तो इसने बड़े विश्वास के साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन भूत भी बड़ा जिद्दी था, वो निकला ही नहीं, ये मंत्रों का उच्चारण करते रहे। फिर भूत अंदर से बोला, मैं कोई साधारण भूत नहीं हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, और तुम मुझे निकाल ले, तुम चले जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हारा भूतकाल जानता हूँ, तुम क्या मेरा भूत जानोगे। बोले, पिछले से पिछले जन्म में तुम भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने वैष्णवों के प्रति अपराध किया, इसलिए तुम चूहा बन गए, और चूहा बन के घूम रहे थे। तभी कुछ वैष्णव लोग जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने अपना प्रसाद पाते पाते प्रसाद कुछ फेंक दिया, चूहे के रूप में तुमने उनका महाप्रसाद पा लिया, उनकी कृपा से तुम्हें ये ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल गया, लेकिन क्योंकि तुमने वैष्णव अपराध किए हुए थे इसलिए तुम मायावादी हो। तो तुम्हारे तुमसे मेरा कोई उद्धार नहीं होगा। फिर उसने बोला राजा से, राजा तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का भी उद्धार हो, मेरा भी उद्धार हो, तो मैं तुमसे ये निवेदन करता हूँ कि जो इसका विद्यार्थी है लक्ष्मण, उसको बुलाओ, उसके चनामृत से मेरा भी उद्धार होगा और तुम्हारी बेटी भी मुक्त हो जाएगी। तो उनको बुलाया गया रामानुजाचार्य जी को भरी सभा में, और उनका चनामृत इनको पिलाया गया, राजकुमारी को, राजकुमारी भी मुक्त हो गई और इस ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार हो गया। तो जब ये देखा यादव प्रकाश जी ने, वो तो द्वेष से जल पड़े कि अरे, मैं इनका गुरु और मेरी ये हो गया। लेकिन इसके बाद भी यादव प्रकाश के पास ये जाते रहे। तो एक बार ये यादव प्रकाश जी की सेवा कर रहे थे चरणों की, तो उनका एक शिष्य इनके पास आया और बोला कि गुरुदेव, वेदांतों में एक कथन आता है, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकारकम एवं अक्षिणी, इसमें कप्यासम शब्द का क्या अर्थ है। तो यादव प्रकाश ने बोला कि शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार कप्यासम का अर्थ ये है कि जो भगवान विष्णु की आँखें लाल हैं, उसकी उपमा की गई है, उसकी तुलना की गई है बंदर के पिछले हिस्से से, वैसी उस तरह ये लाल है। तो इस तरह का जब अर्थ रामानुजाचार्य जी ने सुना, उनको बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, तो गरम गरम आंसू यादव प्रकाश के शरीर पर गिरे। तो बोले, अरे तुम क्यों रो रहे हो। बोले, आपकी इस व्याख्या को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोले, अच्छा तो बताओ क्या व्याख्या है। तो उन्होंने बोला, कप्यासम शब्द का अर्थ है सूर्य की रोशनी द्वारा से प्रफुल्लित, जो कमल खिलता है वैसे भगवान की आंखें हैं। तो बोले, बहुत घमंडी हो गए तुम,
शंकराचार्य की टीका के ऊपर भी अपनी टिप्पणी दे रहे हो, बहुत अहंकार बढ़ गया है। तो ऐसे करके उनको बहुत गुस्सा आया और बोला, ये जो तुमने अर्थ बताया है ये तो गौण अर्थ है, मुख्य अर्थ तो वही है जो शंकराचार्य जी ने बताया है। लेकिन अंदर से वो कन्विंस हो गए कि ये लड़का साधारण नहीं है, ये शंकराचार्य जी के भाषे को टिकने नहीं देगा, और अंदर से उनको बहुत इनसिक्योरिटी हो गई। एक दोबारी और ऐसे कुछ वेदांत में शास्त्र अर्थ हुआ तो रामानुचार्य जी ने अपने गुरु को पराजित कर दिया। तो ये सोचने लगे ये आगे जाके बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, तो उन्होंने पूरी स्कीम बनाई कि अब इसका मर्डर कर देना चाहिए। तो जबरदस्ती बोला रामाचार्य को, चलो मैं तुम्हें प्रयाग में डुबकी लगाने ले आते हैं, वहाँ पे स्नान करके आएंगे। तो इनको ले जा रहे थे तो पूरा उन्होंने योजना बना रहे थे कि इसको वहीं जाके इनको डुबो देंगे, लेकिन इनके एक और इनके शुभचिंतक थे, उन्होंने उनको बता दिया पूरी योजना को। तो रामाचार्य वहीं से भाग गए और जंगल में पिछला रास्ता लेके भागते जा रहे थे बिल्कुल अकेले, गहरा जंगल, और थक कर विश्राम कर रहे थे, अंधकार था। तभी सामने से देखा एक वृद्ध दंपति आ रहा है जो कि शिकारी थे, तो उनके साथ बोले, हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। चलने लगे तो रास्ते में उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे कुछ पानी चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा मैं जाता हूँ, तो उनकी पत्नी ने बोला, नहीं अंधकार है, तुम यहीं रहो, मैं लेके आता हूँ। जब सुबह हुई तो फिर उनकी पत्नी ने कहा पानी चाहिए, तो इस बार उनके पति ने बोला, आप जाओ सामने कुआं है, वहाँ से पानी लेके आओ। तो रामानुचार्य सीढ़ी उतरते, हाथ में पानी भर के आते, उनको देते। तीन बारी ऐसा किया, जब चौथी बारी ऐसे करके आए तो सामने देखा, पहले जो गहरा अंधकार में जंगल था उसकी जगह बड़ा सुंदर एक शहर में है वो, और सुंदर सड़कें हैं, पूरा शहर है, और वो शहर भी कौन सा है, कंचीपूर्ण है। तो बड़े हैरान हो गए, कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया। और ये बात जाके उन्होंने बताई कंचीपूर्ण जी को, जो भक्त थे। तो उन्होंने बोला, ये बताऊँ क्या हुआ है, वो जो दंपति थे वो कोई साधारण दंपति नहीं थे, पुरुष स्त्री नहीं थे, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण थे जो आपकी रक्षा के लिए आए थे। और ये सुनकर रामानुचार्य की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि आप लक्ष्मी नारायण जी के इतने सुंदर भक्त हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ तो सेवा का मौका दीजिए। तो कंचीपूर्ण ने बोला कि सबसे अच्छी सेवा ये होगी कि तुम भगवान के अभिषेक के लिए रोज पानी भर के लाया करो। तो इतने बड़े आचार्य रामानुचार्य रोज ये सेवा करते थे, बाल्टियों से जाते थे, कुएं से पानी लेकर आते थे और भगवान के अभिषेक के लिए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिवा सांगन में एक बूढ़ी स्त्री पानी भर के लाती थी, क्या नाम था उसका, दुखी, वो बाद में क्या बन गई थी, सुखी। तो रामानुचार्य दिखा रहे हैं कि कोई भी सेवा मिले, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर। तो इस प्रकार से वो बाल्टियां ला रहे थे और रोज भगवान की सेवा में लग रहे थे, और कंचीपूर्ण से वो रोज निवेदन करते थे कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन कंचीपूर्ण कहते थे, नहीं, आप शिक्षा ले सकते हो, मैं एक शुद्ध परिवार से हूँ, तो मुझ कुल ब्राह्मण से हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। उधर यमुनाचार्य जी श्रीरंगम में थे और वो वृद्ध हो रहे थे, और वो जानते थे कि ये बहुत ही साधारण व्यक्ति नहीं है, विशेष विभूति हैं। तो बोला, एक बार देख कर आता हूँ उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो देख कर आए तो देख रहे थे ये कंचीपूर्ण के निर्देशन में वरदराज जी की सेवा में जुड़े हुए हैं, और साथ ही में यादव प्रकाश भी वापस आ गए थे। और यादव प्रकाश ने देखा, अरे ये तो जिंदा है, तो बाहर से बड़ी खुशी दिखाई, अरे आप तो बहुत खुश हुई, आप जीवित हो। लेकिन ये समझ गए थे रामानुचार्य कि इनके अंदर की क्या भावना है, और सोच लिया था भविष्य में इनका भी मैं उद्धार करूंगा। और यादव प्रकाश ने फिर से इनको निमंत्रित किया कि आप आओ मेरे से वेदांत अध्ययन फिर शुरू कर सकते हो। तो रामानुचार्य इसलिए उनके पास जाते थे कि वो चाहते थे कि पूर्ण रूप से मायावत सिद्धांत को समझ जाऊँ और फिर बाद में इसका मैं खंडन कर सकूँ। तो इस प्रकार से जब यमुनाचार्य जी कांचीपुर नगर में आए तो देखा कि ये अभी भी यादव प्रकाश के साथ है और वरदराज जी की ऐसी सेवा कर रहा है। तो उनको देखे बड़ी खुशी भी और दुख भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि ये जो बालक है साधारण नहीं है, और दुख इसलिए हुआ कि अभी तक इस मायावादी के चक्कर में फंसा हुआ है। तो बोले, इनको कैसे मैं इसका उद्धार करूं, कैसे शीर्ष समुदाय में इसको जोड़ूं, क्योंकि यमुनाचार्य जी को अब चिंता हो रही थी कि अब उनके जाने का समय हो गया है, पीछे कौन सा ऐसा आचार्य होगा जो श्री संप्रदाय के सिद्धांत को स्थापित कर सकेगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची, वो वापस आ गए श्री रंगम में।
और फिर उन्होंने अपने शिष्य महापुरुष को भेजा कि आप जाइए कांचीपुरम में और वहां जाकर वरदराज जी के सामने उन्होंने अपनी एक रचना रची जिसका नाम था स्तोत्र रत्न। ये सारे श्री संप्रदाय की शिक्षाओं का एक सार था। बोले ये आपको वरदराज जी के सामने गाना है, जब रामानुचार्य इसको सुनेंगे तो वो बहुत आकर्षित हो जाएंगे। तो महापुण्य गए और महापुण्य ने पूछा ये व्यक्ति कौन है जो पानी उड़ा रहा है भगवान के लिए। तो लोगों ने बताया इसका नाम लक्ष्मण है। तो बोले अच्छा अच्छा इसी का है, तो इसी को फंसाना है। तो उन्होंने स्तोत्र रत्न गाना शुरू कर दिया। जो स्तोत्र रत्न है वो इतना सुंदर था कि रामानुचार्य सुनकर एकदम आकर्षित हो गए और यमुनाचार्य के पास गए, ये किसकी रचना है। तो बोले यमुनाचार्य जी की है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो स्तोत्र रत्न हमारे आचार्य श्रील भक्तिनाथ ठाकुर भी इनसे बहुत आकर्षित हुए। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने ये स्तोत्र रत्न सुनकर एक पुस्तक ली जिसका नाम है कल्याण कल्पत्रु, और उन्होंने इसी स्तोत्र रत्न को अपनी बंगला भाषा में लिखा और इसका गुणगान किया और इसी का विस्तार किया उस पुस्तक में। तो श्री रंगम की ओर दोनों चल पड़े, महापूर्ण और रामानुचार्य, वो जा रहे हैं। अभी श्रीरंगम पहुंचने ही वाले थे तो इनको मालूम चला कि देखा कि श्रीरंगम में बहुत भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। बोले क्या हो गया। तो मालूम चला कि यमुनाचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया है। तो ये सुनते ही रामानुचार्य बहुत दुखी हुए, मूर्छित हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, क्रंदन करने लगे और रोते रोते उस स्थान पर पहुंचे और वहां देखा कि यमुनाचार्य जी का शरीर पड़ा हुआ है लेकिन अभी भी उनके देह से दिव्य कांति निकल रही है। और उन्होंने एक और अद्भुत चीज़ देखी कि उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने भक्तों से पूछा क्या उनका हाथ ऐसे ही था हमेशा। बोले नहीं ऐसा तो नहीं था, ये 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई हैं। तो रामानुचार्य जी ने कुछ मनन किया और बोला बिल्कुल देखिए हैं फर्स्ट क्लास डिसाइपल, कभी मिले नहीं लेकिन अपने गुरु की इच्छा को समझ गए। तो वो समझ गए कि मेरे गुरु की 3 इच्छाएं थी पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो वो पूरी नहीं कर पाए, और अब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इन गुरु की 3 इच्छाओं को पूरी करूंगा। तो सबके सामने गरजते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं श्री वैष्णव के सिद्धांत का पालन करूंगा और इसका प्रचार करूंगा और ताकि लोगों को अज्ञानता से ऊपर उठा सको। जब ऐसा उन्होंने जोर से गरज के बोला तो यमुनाचार्य जी की पहली उंगली खुल गई यानी कि हाँ यही मेरी इच्छा थी। फिर उन्होंने दूसरी इच्छा प्रकट की, जोर से गरजते हुए बोला कि मैं वेदांत सूत्रों के ऊपर श्री भाष्य लिखूंगा जिससे स्थापित करूंगा कि लक्ष्मी नारायण की स्थिति सर्वोत्तम है। जब ये सुना तो यमुनाचार्य जी की दूसरी उंगली भी खुल गई। फिर उन्होंने बोला कि पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं उन्होंने विष्णु पुराण की रचना की है, मैं उस पुराण के ऊपर टीका लिखूंगा और भविष्य में अपने एक शिष्य का नाम भी दूंगा पराशर, पराशर मुनि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। जब ये सुना तो यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी खुल गई। तो इस प्रकार से ये है कैसे फर्स्ट क्लास डिसाइपल कभी मिले भी नहीं थे आपस में और बिना मिले ही वो अपने गुरु की इच्छा को समझ गए। ये शरणागति का भाव था। तो इस प्रकार से इसके बाद वो वापस कांचीपुरम में आ गए और अब उनकी इच्छा होने लगी कि यमुनाचार्य से भी मैं दीक्षा नहीं ले पाया। अब दोबारा से उन्होंने कांचीपुरम को बोला कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, लेकिन कांचीपुरम मान नहीं रहे थे। तो बोला ठीक है आप मेरे कम से कम घर में आइए, प्रसाद सेवन कीजिए। और रामाचार्य सोच रहे थे कि इनका मैं कुछ उच्चिष्ट पालूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन कांचीपुरम बहुत ही विनम्र भक्त थे, वो समझ गए कि मुझे घर में क्यों बुला रहे हैं मेरा उच्चिष्ट पाने के लिए। तो क्या किया, जब रामानुचार्य अपने घर से निकले कांचीपुरम को आमंत्रित करने के लिए कि आप आइए प्रसाद पाएं, कांचीपुरम पहले ही निकल गए, दूसरे रास्ते से उनके घर में पहले ही पहुंच गए और वहां उनकी पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, हाँ रक्षा कंबल और ये बड़ी स्मार्ट पत्नी ब्राह्मण परिवार से थी और इसको कोई रुचि नहीं थी वैष्णवों में, ये सोचती थी बहुत ऊंचे कुल से हूँ। तो कंचीपुरम पहले ही उनके घर में पहुंच गए
तो उनकी पत्नी हैरान होगी, आप अभी क्यों आ गए? बोले क्योंकि मुझे वरदराज की सेवा करनी है, बहुत भूख लगी हुई थी, तो जो कुछ भी बना मुझे खिला दो, दे दीजिए, मैं अभी पालूंगा। तो उसने जल्दबाजी में जो भी बना हुआ था कंचेपुण को दिया। अभी रामानुचर्य ढूंढ रहे हैं उनके घर में, जा रहे हैं उनको आमंत्रित करने के लिए, ये पीछे से आए, फटाफट प्रसाद पाया, जो अपना पत्थर था बिल्कुल दूर फेंका, उस स्थान को पूरा साफ कर दिया कि एक भी कंडा बचे वहाँ पे, और चले गए। फिर इनकी पत्नी ने सोचा, परिवार से थे, अभी जो बाकी जो बर्तनों में भोजन पड़ा हुआ है मेरे अपने पति को थोड़ी दूंगी, वो तो बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने क्या किया, अहंकारवश उस भोजन को सारे शूद्रों में बांट दिया और स्नान करके दोबारा से अपने पत्नी के लिए भोजन बनाने लग गए। वापिस आए रामानुचार्य, देखा अभी भी तुम भोजन बना रही हो। बोले आ गए, वो तो कंचीपुण खा के चले गए और सारा भोजन बांट दिया मैंने, शूद्र था वो तो। तो ये सुनकर बड़ा दुख हुआ रामानुचार्य जी को और बहुत डांटा कि किस प्रकार की तुम्हारी मानसिकता है। तो दुखी होकर बेचारे चले गए और अब सोचे थे मैं क्या करूं। और वहां से तभी जो महापूर्ण कौन थे, रामानुचार्य के शिष्य, वो अपनी पत्नी के साथ कंचीपुण आ रहे थे रामानुचार्य से मिलने। और रामानुचार्य की बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी महापूर्ण से मिलूं, वो भी कंचीपुण छोड़कर आ गए। तो रास्ते में बीच में मिले और बीच में मिलते ही अब रामानुचार्य इतने ज्यादा उत्सुक थे दीक्षा के लिए, उन्होंने महापूर्ण जी से कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। और वहीं उन्होंने बोला ठीक है, आप पंचीपुण जाएंगे, पूरा यज्ञ करेंगे। बोले नहीं, यहीं नदी के तट पे दे दीजिए। तो वहीं उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद फिर सब के सब वो कंचीपुण में आए। और फिर रामानुचार्य जी ने कहा कि आप मेरे घर में निवास कीजिए, उनके घर में रहने लगे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था, रक्षा कमल, वो बहुत ही अहंकारी थी, घमंडी थी। तो एक बारी महापूर्ण जी की पत्नी और ये रक्षा कंबल दोनों कुएं में पानी भरने गई। तो जो महापूर्ण की पत्नी कुएं से पानी निकाल रही थी, उनकी बाल्टी से कुछ पानी की छींटे रक्षा कंबल की बाल्टी में गिर गई। ये पहले से बहुत इरिटेटेड थी, कहाँ कहाँ के मेरे घर में आके बैठ गए हैं। तो उसने मौका ढूंढा कि बोला कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी, क्या दुस्साहस कर रहे हो तुम तो निम्न कुल के पैदा हुए हो, मैं उच्च कुल की ब्राह्मणी हूँ, और तू सारे का सारा पानी गंदा कर दिया। खूब सुनाया उसको, है ना, गरम गरम सुनाया, और वो बेचारी चुपचाप सुनती रही, आंखों से आंसू बहाती रही। और वापस आकर उसने पतिदेव को बताया। पतिदेव महापूर्ण ने कहा ठीक है, हमारे कारण इनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो, बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। जब चले गए रामानुचार्य वापस आए, और उस दिन रामानुचार्य पूरी योजना बना के आए थे कि अपने गुरु महापूर्ण की मैं खूब पूजा करूंगा, सारा सामग्री लेकर आए थे। बोले गुरुदेव कहाँ हैं, बड़े बड़े अजीब से गुरुदेव हैं। उनकी पत्नी ने कहा, छोटी सी बात पे नाराज़ हो गए, बस ऐसा कुछ हुआ, पत्नी से मेरी बातचीत क्या हुई, पता नहीं कैसे गुरु हैं, कोई सहन शक्ति ही नहीं है, चुपचाप चले गए ऐसे बिना बताए। तो रामानुचार्य समझ गए कि जरूर इसकी गड़बड़ है, तो दूसरा अपराध किया उनसे। तो रामानुचार्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो वरदराज भगवान के पास गए, क्या करूँ इस पत्नी का, इसको वैष्णव की सेवा में कोई रुचि नहीं है, गुरुजनों की सेवा में कोई रुचि नहीं है। तो बहुत दुखी थे। तभी उन्होंने देखा एक दुबला पतला ब्राह्मण बड़ी दुखी अवस्था में आ रहा है। तो बोला ये ब्राह्मण, तुम्हारा तो मन शांत होना चाहिए, और वैसे तो सारे ब्राह्मण बहुत दुबले पतले होते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने बोला क्या बताऊँ, इसके जिम्मेवार भी आप ही हैं। बोले क्यों? बोले अभी तुम्हारे घर में क्या था, और तुम्हारी पत्नी तो मुझे ऐसे धक्का मार के निकाल दिया, ऐसे रास्ते के कुत्ते को भी बाहर निकालता है, कुछ भी खाने को नहीं दिया और उल्टा सीधा सुना के भेज दिया। तो ये जब तीसरा अपराध सुना रामानुचार्य जी ने, उनको बहुत दुख हुआ। उसने उस ब्राह्मण को बोला चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी योजना है कि वही मेरी पत्नी तुम्हारा बहुत अच्छा सत्कार करेगी। उन्हें कैसे? तो रामानुचार्य जी ने एक ताल पत्र लिया और कलम से एक पत्र लिखा, और पत्र ऐसा लिखा जैसे कि उनके पत्नी के पिताजी उनके ससुर पत्र लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं प्रिय रामानुचार्य, मैं हमारे घर में हमारे बेटे का विवाह है, मैं चाहता हूँ कि तुम रक्षा कमला को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दो, तो ताकि आप तुम अपनी माँ की वो सहायता करेगी। बोले चिट्ठी लेके जाओ, बोले तुम्हारे मायके से आयो, फिर देखो क्या करेगी। तो ब्राह्मण भागते भागते गया, बोले फिर आ गए तुम? बोले देखिए मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए, पत्र लेके आया हूँ। तो पत्र पढ़ के तो एकदम खिल उठी, अरे वाह, मेरे पिताजी का पत्र लेकर, आइए आइए बैठिए। गर्म पानी से स्नान करने को दिया, अच्छे कपड़े दिए, खूब खिलाया पिलाया,
और तभी वहाँ पर रामानुचार्य आ गए तो बड़ी खुशी हुई, देखो देखो पिता से पत्र आया। रामानुचार्य, अच्छा ऐसा पत्र आया, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ हाँ मैं जाऊँगी, देखो शादी का मौका है तो सारे अपने वस्त्र गहने भी ले जाओ। तो सारे वस्त्र और गहने बड़ी खुशी खुशी उस ब्राह्मण के साथ चले गए। जैसे वे घर छोड़ के गए, रामचंद्र बोले अब छुट्टी हुई, और भाग के बाहर आए वरदराज मंदिर के बाहर जो मार्केट थी वहाँ पे उन्होंने भेगवा वस्त्र खरीदे और तुरंत भगवान के सामने गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। बोले अब बहुत हो गया, क्योंकि अब उनके जीवन का जो लक्ष्य था पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यमुनाचार्य जी का स्मरण करते हुए और भगवान के सामने ही उन्होंने स्वयं ही संन्यास ले लिया। अब संन्यास ले लिया, अब नाम कौन देगा? तो जब बाहर आए तभी उनको सामने से कंचीपूर्ण आते हुए दिखाई दे गए, तो बोले कुछ नाम दीजिए मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा नाम हुआ यतिराज। यतिराज का अर्थ है संन्यासियों के भी राजा। तो ये उनको नाम मिला और इस प्रकार से रामानुचार्य जी ने स्वयं संन्यास ग्रहण किया। इसके बाद रामानुचार्य जी ने बहुत शिष्य बनाए, बताते हैं कि वो लगभग 120 वर्ष तक रहे और उनके ऐसे इतने शिष्य बनाए, इतने मंदिर स्थापित किए, कोई 12,000 उनके पास ब्रह्मचारी होते थे, 700 सन्यासी होते थे और हजारों मंदिर बनाए और खूब प्रचार किया। और इसके बाद भी उनकी इच्छा, यति राज बनने के बाद भी उनकी इच्छा सीखने की थी और सीखूं। तो कंचीपूर्ण ने बोला कि अगर कुछ विशेष मंत्रों को सीखना है तो मेरे गुरु भाई हैं गोष्ठीपूर्ण, उनके पास जाओ। तो ये गोष्ठीपूर्ण के पास गए। गोष्ठीपूर्ण ने कहा मंत्र अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में आना। इस प्रकार से वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते थे गोष्ठीपूर्ण के पास मंत्र सीखने के लिए। और गोष्ठीपूर्ण उनकी दृढ़ता को चेक करने के लिए उनको 17 बार मना कर दिया, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं जाओ। यतिराज थे, इतने बड़े सन्यासी थे, बोले अभी नहीं बताऊंगा जाओ। 18वीं बार जब उन्होंने देखा ये पूरा दृढ़ है तो उनको मंत्र दिया। बोला ये मंत्र है लेकिन ये बहुत गुहेतम मंत्र है, किसी को मत बताना, केवल तुम्हारे उद्धार के लिए है। इस मंत्र का कोई भी उच्चारण करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ये मंत्र लेकर रामानुचार्य जब वापस श्रीरंगम में आए तो अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा कर लिया और श्रीरंगम के मंदिर की दीवार के ऊपर चढ़ गए और जोर जोर से उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। जब ये बात कुछ समय के बाद गोष्ठीपूर्ण को मालूम चली, को बड़ा गुस्सा आया और जब बाद में वो रामानुचार्य से मिले, बोले धिक्कार है तुम्हें, गुरु की अवज्ञा करते हो, नर्क में जाओगे। तो रामानुचार्य बोला कोई समस्या नहीं है, अगर मेरे नर्क जाने से इतने सारे लोगों का उद्धार हो जाए तो क्या समस्या है। तो जब ये गोष्ठीपूर्ण ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, बोले ऐसे दया का भाव तो मैंने किसी आचार्य में नहीं देखा। तो उन्होंने अपने पुत्र सौम्य नारायण को बोला तुम इनसे दीक्षा ले लो। तो इसी ढंग से हम देखते हैं हमारी परंपरा में भी एक आचार्य थे जिनका यही भाव था कि मैं नर्क में जाने को तैयार हूँ दूसरों के उद्धार के लिए। क्या नाम था? वासुदेव दत्त। तो बहुत सी कथाएं हैं, समय हो रहा है, कुछ एक कथा लेते हैं। इनके एक मुख्य शिष्य थे, 3-4 मुख्य शिष्य थे। एक थे दशरथी जिनको भरत जी का अंश अवतार बताया जाता है, एक थे कुरेश जिनको राम जी का अंश अवतार बताया जाता है। तो दशरथी जो थे ये बहुत बड़े सन्यासी थे और बहुत बड़े विद्वान थे, और कुरेश भी बहुत विनम्र बैकग्राउंड से थे। तो रामानुचार्य ने देखा कि दशरथी का थोड़ा सा अहंकार बढ़ रहा है। तो दशरथी एक बार इनके पास आए और बोलने लगे कि भगवद गीता का जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्याज्य, इसका क्या मर्म है, इसका मर्म मैं समझना चाहता हूँ। रामानुचार्य ने कहा यह तो बहुत ही कठिन श्लोक है, आप पहले कुछ दिन भिक्षा मांग के आओ फिर बताऊँगा। तो रोज जाते थे भिक्षा मांगते थे, बोले अब बताइए। बोले मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके अर्थ को जानने के लिए तुम गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ। फिर गोष्ठीपूर्ण के मठ में गए तो जैसे ही मठ में देखा गोष्ठीपूर्ण ने बोले आओ आओ चलो सेवा में लग जाओ। तो उनको पूछने का मौका ही नहीं दिया और 6 महीने तक उनसे सेवा कराते रहे। 6 महीने के बाद दशरथी गए इनके पास कि मैं आपसे सर्वधर्मान परित्याजत का अर्थ पूछने आया था। तो गोष्ठीपूर्ण ने बोला ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं जानता, ये तो रामानुचार्य ही बताएंगे। आप देखिए उनका पेशेंस देखिए। फिर से वो रामानुचार्य के पास गए, बोले मुझे अर्थ मालूम नहीं चला, बोले थोड़ा प्रतीक्षा करो। तभी कंचीपूर्ण की कन्या थी जिनका नाम था अतुल्या, उसका विवाह हो गया था।
वो अपने मायके वापस आई थी और रामाचार्य से मिलने आई थी। वो कह रही थी मेरे ससुराल में मेरी सास मुझसे इतनी सेवा कराती है, मीलों दूर कुआ है, मुँह रोज पानी लेके आना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, घर की सफाई करनी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। जब मैं अपनी सास को बोलती हूँ कि कोई ना कोई तो हेल्प दे दो, कोई नौकरानी या नौकर रख लो, तो बोलती नौकरानी नौकर चाहिए तो अपने मायके से लेके आ। तो इसलिए मैं मायके में आई हूँ पिताजी के पास कि कोई नौकर मिल जाए। तो रावण चरण बोला अच्छा मेरे पास है एक अच्छा नौकर। तो दशरथी को बोला जाओ। आप देखिए इतने बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा विद्वान, और बोला कि जाओ दूर गांव में किसी का नौकर बन जाओ। दशरथी ने एक भी बोला नहीं कि ये क्या बात कर रहे हैं, आपको बताना है बताओ, उनको मत बताओ, मैं अपना अलग मठ खोल लेता हूँ। हाँ ना, क्या एक कोई चक्कर है, इतना 6 महीने से इधर उधर भटका रहे हो, अब बोले वहाँ जाके करो, तुरंत चले गए। और देखिए साधारणतः हम देखते हैं इस कलयुग में जो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो, वो आसानी से शरणागति नहीं लेता, बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि मैं शरणागत क्यों हूँ, क्यों भाई, ये क्या तरीका है बोलने का। जबकि दशरथी दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि शरणागति कैसे लूँ, है ना, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग, इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, कैसे कि कैसे मैं शरणागति लूँ। तो क्योंकि यही हम देखेंगे आगे जाके, यही जो वैष्णवों की सेवा करके ही जो इस पूरी संप्रदाय का मूड है भक्तजन सेवा, यही हमारे लिए वैकुंठ का द्वार खोलती है और कुछ नहीं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, रणोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो दशरथी चले गए चुपचाप और करते रहे यही काम, कुकिंग करते थे, पानी लेकर आते थे, सफाई करते थे, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, रोज यही काम कर रहे हैं। तो एक बार उनके गांव में कोई बहुत बड़े पंडित आए और बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम चल रहा था और पंडित जी मन से बड़े बड़े श्लोक बोल रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे, और ये दशरथी एक साधारण व्यक्ति की तरह भीड़ में बैठे हुए थे। तो बोलते बोलते इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बोल दिए जैसे मायावाद का सिद्धांत था। तो दशरथी से सहन नहीं हुआ, है ना, खड़े हो गए चुपचाप और उनका खंडन करना शुरू कर दिया। तो इस पंडित जी ने देखा उसको ऊपर से नीचे, बोले महाराज हो तुम, किचन के महाराज हो, रसोई वाला भी होता है ना महाराज, और मैं दूसरा महाराज हूँ, तुम अपनी देखो, ये रसोई घर नहीं है, रसोई घर में बैठो, बैठ जाओ, है ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन दशरथी रुके नहीं, बोले और आगे बोलते रहे, और जब इतना उन्होंने व्याख्या की, इतनी व्याख्या की, तो ये समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मन से नीचे उतर आए और उसके पांव पड़ गए, भैया आप कौन हो बता दो, इतनी बड़ी व्याख्या तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर दशरथी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम दशरथी है। जैसे ही नाम सुना दशरथी, पूरे गांव में खलबल मच गई, अरे ये तो बहुत बड़ा सन्यासी है, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, यूट्यूब में सबने उनके वीडियो देखे हों। तो अरे ये दशरथी है, अरे तो उस लड़की के ससुराल वाले आगे, भैया ये आपके गुरु शिष्य में जो चल रहा था हमें क्यों फंसा दिया, हमें इतना बड़ा अपराध हो गया। तो बोले अब हम सर्टिफाई करेंगे आपके गुरुदेव को कि आपने कितनी अच्छी सेवा की है। तो उनको पालकी में बैठा कर ले गए रामाचार्य जी के पास और बोले बताइए गुरुदेव, इनको बताइए क्या है सर्वधर्मान प्रतिज्ञा का मतलब, ये पूरा का पूरा योग्य है, पूरी शरणागति ली इन्होंने और बहुत सेवा की। जब ये देखा रामाचार्य जी ने तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले तुम दशरथी नहीं हो, तुम्हारा नाम पड़ गया वैष्णव दास, है ना। और रामाचार्य इनसे इतने प्रसन्न हुए, एक बार अपने कई शिष्यों के साथ वो दक्षिण भारत में जा रहे थे तो एक गांव में गए और उस गांव में सब के सब शिवाइट्स थे, यानी कि शिव जी के भक्त थे। और उनके सब शिष्यों ने बोला, रामाचार्य के शिष्य ने बोला पूरे गांव का उद्धार कर दे गुरुदेव, ये तो बड़े कट्टर शिव जी के भक्त हैं। तो रामाचार्य बोले देखो अभी आपको दिखाता हूँ चमत्कार। तो रात को क्या किया, वो दशरथी को ले गए, उस गांव में एक नदी थी और सारे गांव वाले उसी नदी से पानी पीते थे। तो दशरथी को बोला कि अपने पाँव इस नदी में डालो और बाहर निकाल लो, बोले देखना 3-4 दिनों में क्या चमत्कार होगा। और गांव वाले आए, उसका पानी पीते थे, उससे भोजन बनाते थे। उनके शिष्य बोल रहे हैं गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप, इनका उद्धार कीजिए। बोलो फिर देखिए अभी क्या होता है। और 3-4 दिनों में ही पूरा का पूरा गांव वैष्णव बन गया अपने आप ही, है ना। ये है उनके चरणामृत की शक्ति, यानी कि जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं यही एकमात्र तरीका है अपने हृदय को बदलने का।
और यह सेवा का भाव आता है उन भक्तों के प्रति प्रेम के कारण, जोर जबरदस्ती से नहीं, ये हृदय से हृदय की बात है ना। दशरथी रामाचार्य से प्रेम करते थे, इसलिए इतने कठिन आदेश को भी पालन करने के लिए कोई संकोच नहीं, पूरी सेवा के। और उनकी सेवा से उनका तो हृदय बदला ही बदला, लेकिन उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने लाख सब लोगों के हृदय को बदलने की क्षमता आ गई। यही हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। आज वो इस्कॉन संस्था है, क्यों है कि प्रभुपाद जी के हृदय में जो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के लिए प्रेम था, उस प्रेम के कारण प्रभुपाद जी ने इतनी कठिनाइयां सही और इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई। अगर वो प्रेम ना होता तो प्रभुपाद वृद्धावस्था में इतना कष्ट सहते? और क्योंकि प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद से प्रेम था, इसलिए कुछ नहीं जानते थे क्या है। प्रभुपाद ने बोला जाओ चाइना, चाइना चले गए, जाओ केन्या, केन्या चले गए, उतर जाओ भारत में, चलो कहीं अनजान से अनजान जगह में बिना धन के बिना शिष्यों के भेज दिया। और उन्होंने भी क्योंकि प्रभुपाद से प्रेम करते थे सारे कष्ट सहे और ये संस्था आगे बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि 10,000 साल तक ये संस्था फैले आगे, तो यही एकमात्र तरीका है। प्रभुपाद उपदेशामृत के 4th श्लोक, ददाति पति ग्रांति गुह्यम अख्याति पृच्छति मुंगते भोजते चैव क्षणविद प्रीति लक्षणम। प्रभुपाद कहते हैं 6 प्रीति के लक्षणों के कारण ही इस्कॉन संस्था का पोषण हो रहा है। ये इस्कॉन संस्था का जीवन है, प्रीति लक्षण है, और इसी से इस्कॉन संस्था आगे बढ़ रही है। प्रभुपाद कहते हैं मैं तो अकेला आया था, लेकिन 6 प्रकार के आदान प्रदान करते करते प्रीति लक्षण से ही ये इतना बड़ा समाज बन गया, और आगे और तभी ये परिवार बढ़ेगा अगर ये हम वैष्णव सेवा के इस मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये हृदय की बात है। और जितना जल्दी हम इस भाव को समझेंगे, और आज रामाचार्य से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी महत्वता को पहले समझें, और यही एकमात्र तरीका है हमारे हृदय को बदलने का, और यही एकमात्र तरीका कि हम माध्यम बन सकते हैं दूसरों के हृदय को बदलने के लिए। तो इस प्रकार से दशरथी के माध्यम से उन्होंने पूरे गाँव को बदला। और फिर समय आ गया रामाचार्य जी का शरीर छोड़ने का, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोला कि अब मेरे जाने का समय हो गया। तो सब लोग बहुत रोने लगे, तो बोले नहीं तुम बुद्धिमान भक्त हो, ऐसे शोक मत करो। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हम कुछ उसके कुछ भी बात समझ गए तो इनको हम पालन करने का प्रयास करें तो बहुत हमें लाभ हो सकता है। तो मैं कुछ शिक्षाएं पढ़ के सुनाता हूँ, 1-2 मिनट लूँगा। उन्होंने बोला कि सभी भक्तों को हमें वैसे ही उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपने गुरु की करते हैं, है ना। गुरु महाराज आते हैं तो हम जय गुरुदेव जय गुरुदेव और आगे पीछे भागते हैं, खूब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको अच्छे से अच्छा अपना करने का दिखाते हैं, बाकी वैष्णवों के प्रति कोई भाव नहीं। तो सभी वैष्णव चाहे सीनियर जूनियर कोई भी हो, रामाचार्य संप्रदाय में दिखाते हैं, श्री संप्रदाय में एक बार रामाचार्य तिरुपति जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो तिरुमला पर्वत पे जो चढ़ने लगे तो वो रुक गए। उन्होंने कहा नहीं ये तो साक्षात बलराम जी हैं, मैं अपने पांव इसके ऊपर कैसे रख सकता हूँ, मैं नीचे से ही प्रणाम कर देता हूँ। लेकिन तिरुपति पे ऊपर बालाजी की सेवा में यमुनाचार्य जी के एक शिष्य थे शैलपुण, वो सेवा कर रहे थे। उनको मालूम चला कि रामाचार्य ऊपर नहीं आ रहे, तो इतने बड़े वो सन्यासी थे, इनसे सीनियर थे, उन्होंने क्या किया तिरुपति बालाजी की माला प्रसाद चंदन इत्यादि लेके खुद नीचे आ गए और रामाचार्य को अर्पण किया। रामाचार्य बोले आप क्यों खुद आ गए, किसी अपने अनुयायियों को भेज देते, किसी न्यू भक्त को नए भक्त को भेज देते। तो शैलपुर जी बताऊँ क्या बोला, मैंने बहुत देखा अपने आसपास कोई नया भक्त मिल जाए, मेरे को लगा सबसे नया मैं ही हूँ, मैं नीचे आ गया। ये भाव तो इस ढंग से किसी को भी भक्त को हम मिलें तो उसकी वैसी सेवा करने का प्रयास करें, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जैसे अपने गुरु के लिए देते हैं वैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करें, ये उनकी पहली शिक्षा। दूसरा उन्होंने बोला है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पास लाखों कान हो लाखों जीवा हो, इस कृष्ण शब्द में कितना अमृत है। हम कहते हैं नहीं हमसे तो एक जीवा से भी नहीं संभलता है, सुनते ही नींद आ जाती है। पूरा विश्वास होना चाहिए कि जप करके हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करके, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों में पूरा विश्वास। तीसरा उन्होंने बताया कि भौतिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं होने चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम संतुष्ट हो जाएं, प्रतिदिन हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। फिर बताया किसी भी वैष्णव का आश्रय भौतिक लाभ के लिए ना लें, कि वैष्णव की बहुत जान पहचान है, पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग है,
काम निकलवा देगा मेरे, इस कारण से कोई आश्रय नहीं लेना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन भरसक प्रयास करने चाहिए, इसमें उत्साह नहीं खोना चाहिए। हृदय को शुद्ध करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रतिदिन भरसक प्रयास करते रहना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करना है। फिर एक सुंदर बताई, 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय प्रतिदिन निकालना चाहिए और अपने गुरु के गुणों पर मनन करना चाहिए कि मेरे गुरु में क्या क्या गुण है, इससे हमारा भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। फिर बताया भक्तों को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये चिंता ना करके भगवान के चिंतन में समय बिताना चाहिए। भक्तों को भविष्य की चिंता नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने एक आदेश दिया कि भक्तों का जन्म, भक्तों का निद्रा और आलस, इसको इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। किसी भक्त को हम सोते हुए देखें, आलस में देखें, तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये एक अपराध है। आजकल हम देखते हैं कई बार भक्त लोग सो रहे हैं, लोग फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं सबको, सो रहे कई भक्त लोग, एक खराटे को रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, मजाक होता है, लेकिन रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि ये अपराध है ना। एक बार हमारे मंदिर में परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज आए थे, 4:30 का समय था, तो फ्रूट प्रसाद हमने उनको ऑफर किया, तो फ्रूट प्रसाद ले रहे थे, एक भक्त आया फोटो खींचने लगा ऐसे, तो राधा गोविंद महाराज ने रोक दिया, बोला जब मनुष्य खाता है तो पशु समान हो जाता है, साधु की फोटो कभी भी खाते हुए नहीं लेनी चाहिए। तो इस ढंग से कि देखा कि भक्त लोग सो रहे हैं, आलस में बैठे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक में डाल दिया सब जगह, ये तो कॉमन है आजकल, बोले नहीं ये अपराध है, है ना। और इस ढंग से और भी इनकी शिक्षाएं हैं, तो जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको बहुत ही उत्साह से उसका जप करना चाहिए। इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, और वो जो शरीर छोड़ा था माघ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन, और उस दिन भी ये कॉइंसिडेंस है, सैटरडे था, शनिवार था, और आज भी शनिवार है, माघ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन। और जब उनके शिष्य ने उनकी समाधि बनाई तो एक बहुत विचित्र घटना हुई, उस समाधि में से उनका शरीर निकल के आ गया। आज भी आप श्रीरंगम मंदिर गए हैं, कौन कौन गए हैं रंगनाथ जी के मंदिर में, तो वो उनका शरीर अभी भी है, लगभग 1000 साल पुराना शरीर, ऐसे बैठे हुए हैं रामानुजाचार्य जी, उनकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई हैं, और हर 2 साल में उनके ऊपर कुछ लेप लगा देते हैं, पूरे के पूरे वैज्ञानिक लोग बड़े अचंभित हैं, कैसे संभव है, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयास करते हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए, है ना, लेकिन ये अपने आप ये दिव्य उनका शरीर है, क्योंकि उनके शिष्य उनके उनसे विरह सहन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रकट किया हुआ है। और यही नहीं, रामानुजाचार्य जी कैसे 3 विग्रह हैं, एक विग्रह तो यहीं पे है श्रीरंगम में जिनका साक्षात शरीर है जो 1000 साल पुराना है, और एक उनका विग्रह है मलेरकोट में 3 नारायणपुरम, जहाँ पे वो 12 साल रहे थे और श्री भाष्य लिखा था। तो जब वो 12 साल रहकर निकलने लगे तो उनके शिष्य बड़ रोने लगे कि आप मत जाइए, तो उन्होंने उनकी उपस्थिति में एक उनका विग्रह बना दिया। तो रामानुजाचार्य जी ने उस विग्रह का आलिंगन किया और कहा मेरे में अब इसमें कोई अंतर नहीं है, तो वहाँ पे भी साक्षात रामानुजाचार्य हैं जो उनका विग्रह है। और तीसरा इनका जो जन्म स्थान है श्री पेरुबदूर, पेरुबदूर में जब रामचार्य श्रीरंगम में प्रवचन दे रहे थे तो इनके शिष्यों को बहुत विरह हुआ, तो उनका वहाँ पे विग्रह स्थापित किया, और विग्रह स्थापित के बाद जब नेत्र उन्मिलन होता है, आँखें खोलते हैं, तो उस विग्रह की जब आँखें खोलने लगी तो उसमें से खून निकलने लगा, तो उस विग्रह को भी साक्षात रामचार्य माना जाता है। तो 3 जगह में पूर्ण रूप से वो उपस्थित हैं, और इतना महान उनका चरित्र है, आज जो हमने चर्चा की है तो केवल बूंद मात्र है, इसमें और भी इनकी सुंदर घटनाएं हैं, कैसे इनके शिष्यों का बड़ा उत्कृष्ट चरित्र है, कितना उनका गुरु के प्रति समर्पण है। तो आज के दिन जो चैतन्य महाप्रभु ने इनसे जो सिद्धांत लिया वैष्णव सेवा और अनन्य भक्ति का, उस पर हम मनन करें और वैष्णव सेवा के महत्व को समझने का प्रयास करें, और रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करें
कि हमारे अंदर भी वो उत्साह आए, हम इस वैष्णव सेवा को महत्व को समझ सकें और पूरे हृदय से हम इसको करें। हमें मौका मिलता है वैष्णव सेवा का, हमारी संस्था से कोई भी व्यक्ति जुड़ जाता है, जाने अनजाने में उसकी वैष्णव सेवा शुरू हो जाती है। कोई भी नया व्यक्ति आता है, उस प्रभुपाद जी को फूल अर्पण कर देता है, उसकी वैष्णव सेवा शुरू हो गई। और हम जो भी कर रहे हैं, हम भक्ति रिक्शा में जाते हैं, भक्ति रिक्शा लीड करते हैं, रिक्शा में मेंबर हैं, एक दूसरे आज्ञा देते हैं, करते हैं, काम करते हैं, वैष्णव सेवा ही है। लेकिन होता क्या है कि रूटीन में हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं भूल जाते हैं। तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये वैष्णवों की सेवा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। एक शिक्षा ये थी इनकी कि वैष्णव सेवा को मीन्स नहीं मानना चाहिए कि ठीक है वैष्णव सेवा करके मैं भगवत धाम चला जाऊंगा या कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूंगा। वैष्णव सेवा मीन्स नहीं है, वैष्णव सेवा एंड है। ये साधना ही नहीं है, ये साध्य है ना। बोले कब तक करनी पड़ेगी यार वैष्णव सेवा, बहुत मुश्किल है। जब मुक्त हो जाऊंगा फिर थोड़ी करनी है, फिर तो कराऊंगा। नहीं, वैष्णव सेवा साध्य है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्री रामाचार्य पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की दाई, गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समय होगा।